अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आज हमारी क्लास छठी है और हमारा सबक है नेक आदत। जैसे हमें बचपन से अपनी आदतों को अच्छा बनाना चाहिए ताकि वो जो आदतें हैं आगे जाके हम में रहें और हम अच्छे काम कर सकें। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। आपकी उम्र आदतों के बिना बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जो अच्छी आदतें होती हैं उससे हमें फ़ायदे होते हैं और जो बुरी आदतें होती हैं उससे हमें नुकसान होते हैं। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में दो बच्चे वक्त की पाबंदी नहीं तो वो देर से आते हैं तो सब से पहले उन्हीं के दोस्त मुतासर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए आता है तो उसे भी इनकी गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहरानी पड़ती हैं जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। जैसे बच्चों ये मैंने आपको दिखाया कि अगर कोई बच्चा होता है वो टाइम पे स्कूल नहीं आता है तो जो उसके साथ ही दूसरे फ्रेंड्स होते हैं तो वो बाद में उन बच्चों को देख के वो भी टाइम पे स्कूल नहीं आते हैं। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो ये बच्चों की आदतें शुरू शुरू से ये फिर बड़े हो के आगे चल के ये आदतें इसी तरह रहती हैं। और फिर जो उस्ताद जो होता है, जैसे आप क्लास में 10 बच्चे हो तो उसमें 8 आए हो, 2 नहीं आए हो, तो फिर कल जो उस्ताद होगा उसको फिर कल दोबारा से वो पढ़ाना है, फिर दोबारा से रिपीट कराना है। इसलिए जो दूसरे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, रेगुलर स्कूल आने वाले बच्चे होते हैं, उनका टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, जब उनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये तो एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। दरअसल ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते। इसलिए बच्चों हमेशा रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ये आदत जो है शुरू से डालनी चाहिए ताकि जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें। और इसी वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं। सुबह जब बच्चे देर से उठते हैं और स्कूल वो देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवाल का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाने बनाना पड़ते हैं। इसी तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप हम ही वो गुनाह है वो आप जानते ही हैं। जैसे आपको पता है झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, मतलब हमको पता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल हम फिर यहाँ आगे से पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों हमेशा अपनी आदतों को अच्छा बना के रखें, टाइम पे सो जाएं और सुबह जल्दी उठें और झूठ ना बोलें क्योंकि झूठ बोलना एक बुरी बात है। बाकी वह सलाम।